आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सीएससी पैनल से बिजली बिल कैसे चेक करें और उसके बाद उसका भुगतान कैसे करें। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम को ओपन करना होगा। यहाँ से हम टाइप करेंगे डिजिटल सेवा पोर्टल, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ डिजिटल सेवा पोर्टल कॉमन सर्विस सेंटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लॉग इन करेंगे। यहाँ सीएससी आईडी डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे, यहाँ कैप्चा डालेंगे, यहाँ साइन इन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे पहले वॉलेट में पैसा ऐड करना होगा, तो सबसे पहले हम वॉलेट समरी में आएंगे। उसके बाद हम यहाँ क्लिकेंगे ऐड मनी टू योर वॉलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अमाउंट डाल देंगे कितना का हमको अपने सीएससी वॉलेट में ऐड करना है। यहाँ एक मोबाइल नंबर डालेंगे, ऐड मनी टू वॉलेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पेमेंट पेज में ला के छोड़ेगा। हम यहाँ से यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। चलिए हम यूपीआई से करके दिखाते हैं। यहाँ यूज़र आईडी डालेंगे। यूपीआई आईडी डालने के बाद हम यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ से हमारा सक्सेस हो गया है। चलिए हम उसके बाद हम डैशबोर्ड पे आते हैं। उसके बाद हमें यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पे आना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ बिल पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपना कंपनी चूज कर लेंगे, कौन कंपनी से हम बिजली ले रहे हैं। यहाँ पे अपना कंपनी सर्च करेंगे या फिर यहाँ से ढूंढ लेंगे। तो चलिए हम ढूंढ ही लेते हैं। जैसे कि मेरा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला है, हम इसको चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ से कंज्यूमर नंबर डालेंगे, या ईमेल आईडी डालेंगे, या मोबाइल नंबर डालेंगे और फेच बिल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ ला करके छोड़ेगा। हम यहाँ से जितना हमको अमाउंट पे करना है यहाँ डालेंगे। उसके बाद यहाँ से पिन डाल पे पे क्लिक करें। यहाँ से हम बकाया बिल भी देख सकते हैं कि मेरा कितना ड्यू बाकी है, यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जिसमें हमको जैसे 1000 इसमें पे करना है तो 1000 यहाँ डाल देंगे। उसके बाद वॉलेट पिन डाल देंगे और पे पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा यहाँ पे हो रहा है, सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो गया। ये हमारा स्लिप जनरेट हो गया, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके प्रिंट करके हम कस्टमर को इसको दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।